में जाना है, मंदिर वहाँ बनवाना है। अरे कमबख्त, फोन किसका आ गया पूजा के टाइम पर? हेलो हेलो, कौन? मोदी 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 चूसता मोदिया, चूसता मोदिया, चूसता गरीब के खून पसीना मोदिया चूसता। और मोदी जी क्या काम है मुझसे जो फोन किया? तो मैं आज एक और बात भी बताना चाहता हूँ। अरे तुम्हें पहले हमारी बात सुन लो मोदी जी, ये कोरोना के पेशेंट दिन पर दिन 1,000, 10,000, 20,000, 50,000 होते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या सोच रहे हो? पहले से अधिक बढ़ गया है। अरे मोदी जी पहले से अधिक तो बढ़ गए हैं, पर तुम इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? इस कोरोना को रोको, वरना पूरे देश में कोरोना कोरोना कोई दूसरा मतलब समझ जाएगा। अरे मोदी जी सारी बातें करो साइड में, पहले मुझे ये बता दो क्या ये कोरोना वायरस कानून के दायरे में नहीं आता है क्या? जो ये दिन पर दिन खुले सांड की तरह पूरे भारत देश में विशाल में घूम रहा है। कानून के दायरे में ही आता है। अच्छा कानून के दायरे में आता है, पर मोदी जी जब ये कानून के दायरे में आता है तो इसको इतनी छूट क्यों दे रखी है आपने? क्या आपका रिश्तेदार है क्या ये कोरोना वायरस? भगवान की खातिर। क्या भगवान की खातिर? अरे क्या कहना चाहते हो मोदी जी, जरा खुल के बताओ और हमें थोड़ा प्यार से समझाओ। मेरी गंजी खोपड़ी के तुम बाल ना उड़ाओ, मुझे थोड़ा थोड़ा प्यार से समझाओ। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्या शुभकामनाएं देते हो? अरे मोदी जी किस खुशी में शुभकामनाएं दे रहे हो? मुझे तो लग रहा है राम मंदिर बनने जा रहा है ना, इसलिए आप हम लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हो। बिल्कुल। अरे मोदी जी झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, पहले अपना कोरोना देश से भगाओ फिर मंदिर बनाओ, समझ गए? वरना काले कौवे को बुला दूंगा। प्रभु राम की खातिर। क्या सिर्फ प्रभु राम की खातिर मंदिर बनवा रहे हो क्या मोदी जी? बिल्कुल। अरे मोदी जी पहले मेरे देश में मंदिर मत बनवाओ, पहले हॉस्पिटल बनाओ और इस कोरोना को अपने देश से भगाओ, बाद में मंदिर बनाना, पहले हॉस्पिटल बनाना। राम मंदिर के निर्माण का फैसला। अच्छा राम मंदिर बनाने का फैसला तुमने ले लिया है, इसका मतलब तुम राम मंदिर बनाकर ही मानोगे मोदी जी है? बिल्कुल। लगता है ये मोदी जी ऐसे नहीं मानेगा, मुझे अपने जवाब कौवे को बुलाना पड़ेगा। ओ मेरे जवाब कौवे कहाँ है तू, जल्दी आ जा, इस मोदी को समझा जा, वरना मैं इस मोदी को शराब दे दूंगा। ओम क्लीम क्लाम देसी की दारू इंग्लिश की दारू पौवा अद्धा बोतल चड्डी देवाए नमा 15 लाख भशंब नमा। मालिक मालिक का का का। अरे मालिक रुक जाओ, अभी मोदी को शराब मत दो, अभी आप क्या कहना चाहते हो खुल कर बताओ, फिर मैं बताऊंगा शराब देना है या कुछ और देना है। अरे मेरे जवाब कौवे आ गया तू, ये मोदी कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, बोल रहा है पहले मंदिर बनेगा, कोरोना के बारे में बाद में सोचेंगे। देख रहे हो ना कोरोना के कितने पेशेंट हो गए देश में, एक दिन में 50,000 आ रहे हैं, और ये मोदी बोल रहा है पहले मंदिर बनवाना है। अब तुम ही बताओ मेरे जवाब कौवे मैं क्या करूं, चुल्लू भर पानी में डूब मरूं क्या? नहीं नहीं मालिक, चुल्लू भर पानी में डूब मरे हमारे दुश्मन, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? मालिक मैं अभी जाता हूँ और मोदी की खबर लाता हूँ अपने तंत्र मंत्र से, रुक जाओ। ओम क्लीम जामुंडा कौवा, मोदी कहाँ चाय बनाया, उसके मन में क्या सोच रहा है, ये मंदिर का पीछे का राज क्या है, जल्दी खिड़की दरवाजा खोलो और मोदी की पोल खोलो। आ गया मालिक।
मालिक, पता चल गया ये मोदी क्या करना चाहता है मंदिर बना के। मैं सब चाल समझ गया हूँ इस मोदी की। अरे बाप रे, क्या क्या आगे मुझे दिखाई दे रहा है। अरे बाबा बाबा, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो देश का भट्ठा बिठाएगा। मालिक मोदी से बचो और देश को बचाओ। ना पूछो तो अच्छा है, और आपका फटा पड़ा कच्चा है। अबे साले दबाज कौवे, तू मेरे कच्चे की तरफ क्यों देख रहा है बे? तू मोदी की पोल खोल रहा है, साले मेरी पोल खोल रहा है। अबे तू मोदी के बारे में बताओ, आखिर क्या देखा तूने मंत्रों से? मालिक मैंने देखा जो आदमी चाय बेच बेच कर प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या वो मंदिर बनाकर देश का, विदेश का, अंडरवर्ल्ड का, गरल्ड का प्रधानमंत्री डॉन बन सकता है क्या? अबे भूतनी के, सीधा सीधा क्यों नहीं बताता? आखिर तू कहना क्या चाहता है? मेरी घरवाली मेरा इंतजार कर रही है, जल्दी बता दे, वरना आज झाड़ू पोछा कपड़े धोना सब सब मुझसे करवाएगी। देखो मालिक, मैं अभी ज्यादा तो मोदी के बारे में बोलूंगा नहीं, क्योंकि उसकी सरकार है मुझको पकड़कर जेल में डाल देगी। पर कोरोना भी चल रहा है, सब वहाँ कहेंगे कोरोना कोरोना, कहीं मेरे साथ उल्टा सुल्टा हो गया ना जेल में, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। और रही बात तुम्हारी, अपने जाके बर्तन धो बीबी के, मेरा पीछा छोड़ो। हाँ, जब मोदी सरकार चली जाएगी, सारी कती सारी की सारी पोल पट्टी मोदी की खोलूंगा कि इसने कितना घपला कितना भपला लपला लपला किया था मेरे देश में। अब मैं जा रहा हूँ मालिक। अरे 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 अरे, रुक जा मेरा दबाज कौवे, इस मोदी के चक्कर में मुझे फंसा के चला गया नालायक, अब मैं अपना पीछा कैसे छुड़ाऊ मोदी जी से? मोदी जी, मैं कहना चाहता था कि आप क्या कहना चाहते हो मुझे, जरा फिर से बताओ। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, बीवी मारती है ना, कपड़े धुलवाती है, इसलिए। तुम भी जेल के सलाखों के पीछे हो। अरे नहीं नहीं मोदी जी, मुझे माफ कर दो, मैं आपका छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा चुंगलू मुंगलू बच्चा हूँ, मैं आपकी एक आरती बना दूंगा तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? जब आपने मुझे पूछा है तो मौका ले लेता हूँ। ठीक है मोदी जी, मेरा मौका लेने के लिए धन्यवाद, पर मौके के चक्कर में मेरा कुछ और मत ले लेना, आखिर मेरी भी इज्जत का सवाल है। अच्छा, अब मैं आरती गाने के लिए तैयार हूँ, आरती शुरू करूँ क्या मोदी जी? बिल्कुल।